तो आपकी भी 5 साल की होती है ना? जी जी जी, डिग्री तो 5 साल की है, पाकिस्तान में 6ठे साल में हाउस जॉब करनी पड़ती है। अच्छा अच्छा, तो यार काफ़ी लंबा प्रोसेस है भाई, 6 साल MBBS में गुजारना तो फिर डॉक्टर बनना। डॉक्टर की माशाल्लाह वैल्यू है, इंजीनियर की भी वैल्यू है यार, इंजीनियर भी है ना भाई, इंजीनियर की भी वैल्यू है। चलो भाई ने बोला मान लेते। अभी जो है आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं स्टूडेंट, मतलब यहाँ अगर MBBS करना चाहे जिसका शौक है MBBS में, तो वो यहाँ एडमिशन उसका लेना सही है, या आप इसके बारे में थोड़ा मतलब बता दें। जी, अगर किसी ने MBBS करनी है तो हमदर्द को ज्वाइन करें, बहुत अच्छा कॉलेज है। एक तो इसकी फ़ीस अफोर्डेबल है, दूसरा मेरे कुछ क्लास फेलो रिपीट कर रहे हैं ना, उन्होंने भी मुझसे पूछा था, मैंने उनको कहा कि बहुत अच्छा कॉलेज है, अगले साल यहीं पर आ जाएँ। इसके अलावा मेरे छोटे भाई का भी करने का मूड है, अगर वो मेरिट में नहीं बना था, उसको मेरिट अगर उसका नहीं बनेगा तो फिर हम उसको, मैं यही सजेस्ट करूँगा कि वो यहाँ पे आ जाए। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, एक तो अगर एक भाई पढ़ रहा है, दूसरा भाई या बहन पढ़ती है तो उसकी फ़ीस कम कर देते हैं, और दूसरा है इसका बहुत बड़ा जो फ़ायदा है, अगर आपकी डिस्टिंक्शन आती है ना तो 2.5 लाख तकरीबन एक डिस्टिंक्शन पर फ़ीस भी माफ़ कर देते हैं। बहुत सारे फ़ायदे हैं, अगर आना है तो ये बहुत अच्छा कॉलेज है, यहीं पे आ जाएं आप दाखिला लेने। चलो ठीक है यार, बहुत अच्छी बात, बहुत आपने जो है हमें अच्छा गाइड कर दिया, और उम्मीद है कि व्यूअर्स को भी इससे जो है इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। वेलकम है गाइज एक और नई वीडियो में, कैसे हो, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो का टाइटल आपने ऑलरेडी देख लिया होगा, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे MBBS डिपार्टमेंट पे। तो ये जो भाई हैं ये MBBS डिपार्टमेंट के स्टूडेंट है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे जो डिपार्टमेंट के लड़के मिले तो मैं उस जो है डिपार्टमेंट पर वीडियो बनाऊँगा और आप भाइयों को भी बताऊँगा। तो आज जो है भाई ये मुझे मिले हैं, ये भाई जो हैं MBBS डिपार्टमेंट के हैं, तो इनके साथ आज बातें करेंगे और पूछेंगे कि MBBS डिपार्टमेंट का सारी आपके साथ आज डिटेल में बातें करेंगे कि एडमिशन कैसे होता है, MBBS डिपार्टमेंट की जो है फ़ीस कितनी है और जो क्या प्रोसेस है, और आज सारी इनसे डिटेल में बातें करेंगे और आपको भी बताएंगे। जो भाई डॉक्टर बनना चाहता है हमारी वीडियो लाजमी विज़िट करें और फांसी यूट्यूब व्लॉग्स को लाजमी सपोर्ट करें और देखें, तो इंशाल्लाह इस पर जो है व्लॉगिंग के हिसाब से और इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी के रिलेटिव बहुत सारी आपको वीडियो मिल जाएगी। तो चलते हैं भाई से पूछते हैं, और भाई सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन करवाएगा उसके, और आपको बताएंगे कि उन्होंने कितनी फ़ीस दी है और क्या प्रोसेस है, कैसे एडमिशन होता है और MBBS की जो है स्टडी वगैरह। तो चलते हैं, और जो अभी आपको मैं बता दूं थोड़ा, जो मैं हमदा यूनिवर्सिटी में आप देख सकते हैं और भाई भी हमारे साथ है। तो भाई आप जो है बताएँ कि आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। जी, मेरा नाम मोहम्मद ओवैस है, मेरा गाजी खान से ताल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा, मेडिकल करना चाहता था तो बहुत सारे मेडिकल कॉलेज में अप्लाई किया। अच्छा, और 2-3 में पंजाब में आ भी गया था नाम, लेकिन मैंने फिर मुख्तलिफ डॉक्टर से रब्ता किया कि वो किस कॉलेज में जाना चाहिए, तो फिर उन्होंने हमदर्द को पहली प्रायोरिटी कहा और काफ़ी लोगों ने कहा। फिर इसकी भी एक तो रीज़न है, एक तो यहाँ पर जो हाउस जॉब है, फिर वो हॉस्पिटल ज़्यादा हैं उसमें अच्छी तरह से बंदा हाउस जॉब कर सकता है, एक तो यहाँ पे हाउस जॉब, फिर पेड भी मिल जाती है, ये भी इसका फ़ायदा है। अच्छा, मतलब ये जो है यहाँ आप हाउस जो भी जो हमदर्द है वही हमें मतलब जो इसका प्रोसेस करवा के देता है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, हाउस जॉब भी और पेड देता है। इसकी 5 से 6 हॉस्पिटल हैं, एक तो बन रही है, बाकी जो है वर्किंग है। अच्छा, मैंने जो है सुना है कि हमदर्द का जो है जहाँ हाउस जॉब करते हैं वो हॉस्पिटल भी जो है यहाँ कराची सिटी में हमदर्द वालों का अपना है। जी जी, एक तो इनका ताज मेडिकल कम्प्लेक्स है, बहुत मशहूर हॉस्पिटल है। जी जी, अच्छा माशाल्लाह, कराची का। और दूसरा इसके अलावा रेंजर्स हॉस्पिटल भी है, वो भी हमदर्द वालों का टीचिंग हॉस्पिटल है। अच्छा, तो यार हम जो ना इधर बैठ के बात करते हैं, तो जो फ़िलहाल जो है इधर बैठ जाते हैं। अच्छा भाई, आप जो हैं डेरा गाजी खान से हैं। जी जी, तो आपको हमदर्द का किस डॉक्टर का आपने नाम बताया? एक तो डॉक्टर यकूब हैं, चोटी जरीन के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, और इसके अलावा अच्छा एक है डॉक्टर आरिफ साहब, उन्होंने अच्छा, भी कहा था कि अगर हमदर्द में हो जाए तो फिर चुप करके चले जाना और कॉलेज को प्रेफर नहीं करना। अच्छा, मतलब हमदर्द का जो है लेवल है, नाम आता है, मतलब MBBS इसका अच्छा है। जी जी, MBBS इसका अच्छा है, इसी वजह से हमदर्द ऐसी यूनिवर्सिटी है कि जहाँ पर पूरे पाकिस्तान से मेडिकल करने के लिए आते हैं। यहाँ इस कॉलेज में आपको हर सूबे का बच्चा मिल जाएगा, हत्ता के मोहम्मद एजेंसी बिल्तिस्तान से भी बच्चे आए हुए हैं। बिल्कुल यार, ये बात तो है। देखो ये भाई भी जो है डेरा गाजी खान से जो है मतलब इतनी दूर है, वहाँ से जो MBBS करने के लिए यहाँ पे आए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, मतलब डॉक्टर बनने के लिए, और आपका भाई भी जो इंजीनियर बनने के लिए आया है, तो साथ जो भाई MBBS करने के लिए डेरा गाजी खान से आए हैं। तो मतलब आपको जो है आपने आरिफ जो है डॉक्टर आरिफ साहब जो है उनका बताया, उन्होंने आपको बताया था, तो उनके जो है सपोर्ट से
आपको मतलब हमदर्द का पता चला और जो आप MBBS करने आ गए, तो इसका जो आप बताएं कि जो आपने जो अब एडमिशन लिया तो इसका टेस्ट की रिक्वायरमेंट क्या थी और जो टेस्ट आपने कैसे दिया और कितनी मार्क्स आई ये वो सारी बातें डिटेल में बताएं। एक तो यहाँ पे कोई फिजिकल इस तरह का टेस्ट नहीं होता, सिर्फ इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। अच्छा। और फिर इंटरव्यू लेकर फिर जो बच्चा उनको पसंद आता है फिर उनको ले लेते हैं, जो कैप्टेंसी अभी कैपेसिटी अपनी दिखाता है। अच्छा, पढ़ाई के वाला। यहाँ पे आके आपने जो टेस्ट दिया था हमदर्द का? जी जी, एक डेंटल हॉस्पिटल है कराची में। अच्छा। तो वहाँ पे उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया था हमें और हम आए थे इंटरव्यू। अच्छा, उसमें आपको कंफर्म है कि आपकी कितनी जो है मार्क्स आई थी टेस्ट में? जी जी, 10 नंबर का इंटरव्यू का क्राइटेरिया था, 10 में से 10 मार्क्स हैं इंटरव्यू के, 10 में से उन्होंने 10 दिए थे। अच्छा अच्छा, वो मतलब जो है इंटरव्यू भी थोड़ा हार्ड होता है, पूछते हैं क्वेश्चन वगैरह ऐसे, मतलब जो बंदा बच्चा जो है थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाता है। लाजमी MBBS का टेस्ट हो रहा है, हमदर्द यूनिवर्सिटी में आप मतलब पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो उसकी जो है टेस्ट भी जो थोड़ा हार्ड तो होगा, मुश्किल तो होगा मतलब? नहीं, कोई ऐसी कोई खास बात नहीं थी, वो सिर्फ देखते हैं कि बच्चा कितना विलिंग है MBBS में आने के लिए। अच्छा अच्छा, बस यही चीज़ देखते हैं कि यहाँ पे आके पढ़ेगा या टाइम ज़ाया करेगा, बस बच्चे के IQ लेवल चेक करते हैं इस हवाले से बस। अच्छा, तो यार भाइयों अगर आप जो अगर MBBS करना हमदर्द में चाहते हैं तो बिल्कुल घबराए नहीं, आप सुकून से आएँ, डॉक्टर बने। अगर आपका शौक़ है भाई जैसा कि भाई जैसे बोल रहे हैं कि मेरा शौक़ था कि मैं MBBS करूं और डॉक्टर बनूं, अगर आपका भी शौक़ है तो लाजमी आएँ हमदर्द में जो है इनका टेस्ट क्लियर करें और MBBS के एडमिशन लें और पढ़ें। तो अब भाई से हम पूछते हैं, उन्होंने कुछ बातें हमारी क्लियर कर दी, अब पूछते हैं कि इनका जो है ये डेरा गाजी खान से, और जो इन्होंने बताया कि हमें जो मियाँ जो है डॉक्टर आरिफ साहब है उनकी जो है सपोर्ट से हम हमदर्द में आएँ, तो पूछते हैं कि भाई जो है हमदर्द की इनका जो है फ़ीस का जो है ईयर का होता है ना, जैसे हमारा सेमेस्टर सिस्टम होता है तो इनका जो होता है साल का होता है, तो पूछते हैं कि साल की फ़ीस बताएंगे आपकी कितनी होती है मतलब यहाँ हमदर्द में? जी जी, पहले साल में इस साल तो पहले साल की फ़ीस ना 10,34,000 थी, फिर इसका भी एक तरीका कार है, आप हर 3 महीने के बाद देना चाहें, 6 महीने का देना चाहें। अच्छा। या हर साल दें, अगर हर साल देंगे तो फिर 4% डिस्काउंट देंगे, इस तरह ये तकरीबन 9,94,000 बन जाता है। यार आपने कितनी बताई, 10,34,000? यार 10,34,000 वैसे देखा जाए तो फीस काफ़ी ज़्यादा है, 10,34,000 तो आपके भाई की जो है 10,00,000 तो मतलब के 4 साल की फ़ीस है टोटल, तो भाई जो हैं 1 साल की 10,00,000 फ़ीस पे करके आए हैं। तो देखा जाए MBBS की फ़ीस हमदर्द में काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जिसका है भाई जो अफोर्ड कर सकता है आ जाता है, चल जाता है, अपनी इंस्टॉलमेंट पे फ़ीस करवा ले हो जाता है, इतना वो नहीं है कि आप ये फ़ीस सुन के नहीं भाग जाना कि भाई बहुत फ़ीस है, चल जाता है यार, ये भी भाई आए देते हैं फ़ीस मतलब हो जाता है, जब बंदा एडमिशन ले जाता है तो भाई हो ही जाता है ना काम। तो आप जो डीमोटिवेट नहीं हो, अगर आपने MBBS करना है बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है, आ जाएं, फ़ीस का भी हो जाता है, सारा कुछ हो जाता है यार। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि पिछली वीडियो मेरी फार्मेसी डिपार्टमेंट फार्मेसी भी मैंने बताई थी, वो लड़के थे पठान तो सवाद के थे, वो भी देखो कितनी दूर से आए हैं। तो ये भी भाई डेरा गाजी खान से MBBS करने के लिए खास तौर, मतलब स्टूडेंट काफ़ी दूर दूर से आते हैं, कोई डेरा गाजी खान को सिंध को पंजाब को बलोचिस्तान कहाँ कहाँ से आते हैं, तो ये भी भाई डेरा गाजी खान से MBBS करने के लिए आएँ। तो इन्होंने फ़ीस बता दी कि 10,34,000 आपने मतलब पे कर, लेकिन ये फ़ीस सबसे कम है, नम्स को अगर नहीं देखें तो बाकी जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं ना किसी के भी फ़ीस इतना नहीं है, पंजाब में खासकर देख लें 12,00,000, 16,00,000, 18,00,000 फ़ीस है। अच्छा। और इस हवाले से मैंने तो बहुत सारे कॉलेज में अप्लाई किया, फिर उनका फ़ीस भी देखते रहे ना, ये सबसे कम ही है। ये एक और भी है जिना मेडिकल कॉलेज जो कराची वाला, उसकी भी इतनी है और इसकी भी इतनी है। अभी जो है आप मतलब यहाँ पे हॉस्टल में रह रहे हैं हमदर्द यूनिवर्सिटी के? जी जी, हॉस्टल में रह रहे हैं। अच्छा अच्छा, चलो ठीक हो गया। तो यार आज की इस वीडियो में जो हमने आपको यही बताना था कि भाई का जो है आपको प्रोसेस का पता चल गया कि एडमिशन कैसे हुआ, तो हमदर्द की जो है आप यार थोड़ी पढ़ाई के बारे में बता दें, क्लासेस वगैरह तो आपकी चल रही होगी, किस तरह जो है पढ़ाई है आपका MBBS डिपार्टमेंट में, कैसे मतलब लेक्चर आप ले रहे हैं और समझ आ रही है, किस तरह जो है थोड़ा व्यूवर्स को बता दें। पढ़ाई का तरीका इनका बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया है। अच्छा। पहले तो ये क्लास में लेक्चर देते हैं, उसके अलावा 1.5 से 2 घंटे की हमारी लैब्स होती हैं डेली। अच्छा। बेसिस पे, और उनमें वो प्रैक्टिकल भी कराते हैं, जो बॉडीज रखी हुई या स्केलेटन है उन उस पर भी पढ़ाते हैं। सही सही। और सही। फिर हमसे उस पर प्रेजेंटेशन भी लेते हैं वहाँ, वो दिखा के इस पर प्रेजेंट करके दिखाओ कि किस तरह। ये सही हो गया यार, फिर तो मतलब आपका जो है बहुत जो MBBS का यहाँ पे जो है उस पर गौर फिक्र की जा रही है और काम मतलब अच्छा होता है, यहाँ अच्छे मतलब के टीचर्स हैं MBBS के। और आपकी जो डिग्री है हमारी तो 4 साल की होती है, फार्मेसी की भी शायद 5 साल की, यहाँ तो आपकी भी 5 साल की होती है ना?
जी 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 डिग्री तो 5 साल की है, पाकिस्तान में 6ठे साल में हाउस जॉब करनी पड़ती है। अच्छा अच्छा, तो यार काफ़ी लंबा प्रोसेस है भाई, 6 साल MBBS में गुजारना तो फिर डॉक्टर बनना, डॉक्टर की माशाल्लाह वैल्यू है, इंजीनियर की भी वैल्यू है यार, इंजीनियर भी है ना भाई, इंजीनियर की भी वैल्यू है, चलो भाई ने बोला मान लेते हैं। तो बस यार यही आज की इस वीडियो में बताना था। अभी जो है हम बैठे हैं यहाँ पे बैतुल हिकमा के सामने, सोचा कि यहीं बैठ के वीडियो बना लेते हैं और अपने प्यारे व्यूअर्स को बता देते हैं कि MBBS डिपार्टमेंट की फ़ीस कितनी है, प्रोसेस कैसे होता है अगर आपने एडमिशन लेना हो। और जो है यहाँ पे आप यार बिल्कुल कोई डरने की बात नहीं है, आपने MBBS करना है, सुकून से आएँ यहाँ पर, टेस्ट क्लियर करें, अपनी फ़ीस दें और अपना जो है 5 साल की आराम से डिग्री निकाल के जाएँ। और ये भी भाई अभी आएँ तो मुझे मिले, और ख़ास तौर पर आपको बात बता दूँ कि ये भाई मेरी पहले जो है ना आने से पहले हमदर्द जो है यहाँ की वीडियो मेरी देख के आए, इन्होंने मुझे जैसे ही आया बोला कि भाई मैंने आपको ना YouTube पे देखा है। तो मैंने कहा यार मुझे एक बड़ी खुशी होती है जब मेरे मतलब के फ़ैन वगैरह मिलते हैं तो बताते हैं कि भाई मैंने आपको YouTube पे देखा। तो ये भाई आपने मेरी हॉस्टल की वीडियो देखी थी? जी जी हमने देखा था कि हॉस्टल किस तरह का है, तो आप एक वीडियो बनाई थी बहुत। तो भाई ये हॉस्टल की मेरी वीडियो देख के आए, तो फिर इन भाइयों से मैंने मुलाकात की, मैंने कहा आप जो किस डिपार्टमेंट के, फिर पूछा, फिर उस डिपार्टमेंट MBBS के थे, उस पर जो हमने सोचा कि वीडियो बनाते हैं। तो अभी चलते हैं आगे, इनका जो कॉलेज है वो भी थोड़ा आपको बाहर से दिखा देते हैं। तो ठीक है गाइज चलते हैं आगे। तो गाइज अभी जो है हम हाइट के सामने पहुंच गए हैं, अभी जो है भाई का MBBS डिपार्टमेंट सामने है। तो भाई कहता है कि चलते हैं यार वहाँ जो है थोड़ा डिपार्टमेंट में बाहर से दिखा देते हैं। अभी तो शाम का टाइम है, यूनिवर्सिटी तो बंद हो गई है, तो 4 बजे यूनिवर्सिटी बंद हो जाती है ऐसे ही ना भाई, 4 बजे तो मतलब डिपार्टमेंट सारे पॉइंटें निकल जाती है। तो मैं आपको हर वीडियो में बता ही देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं पीछे, ये देख लें ये जो है हाइट है, वो सामने जो है आप देख सकते हैं हाइट की बिल्डिंग है। तो ये यूनिवर्सिटी का जो एरिया है ये आप देख सकते हैं। अभी जो है मैं सामने जा रहा हूँ, अभी कोई यहाँ पे जो लड़के वगैरह नहीं है, सामने ग्राउंड भी है एक फ़ुटबॉल, जहाँ लड़के शाम को आके मतलब जिनका है शौक वगैरह होता है गेम में, मैं तो नहीं खेलता कभी, मैंने खेली नहीं है फ़ुटबॉल, क्रिकेट वगैरह खेलता था गाँव में, अभी यहाँ आके तो मतलब इतना जो है टाइम ही नहीं मिलता यहाँ पर आके। तो 4 बजे यूनिवर्सिटी से आते हैं, आके फिर जो है रात को लेट सोना, सुबह जल्दी उठना, उसके बाद जो है आके सो जाते हैं 2-3 घंटे, शाम का टाइम हो जाता है, फिर इसी तरह जो है दिन गुजर जाता है, ऐसे ही है ना भाई। आप भी बता दें अपना कि आपका जो कैसे गुजर जाता है। बस 4 बजे यूनिवर्सिटी से आते हैं, फिर थकावट होती है, थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर थोड़ा बहुत पढ़ना भी होता है, मतलब खेलने का इतना टाइम नहीं मिलता, बस मतलब स्कूल ही स्कूल ले जाता है जो। ये बात है यार। तो भाई ये जो यही है ना आपका डिपार्टमेंट MBBS, तो दिखाते हैं अभी जो आप देख सकते हैं, ये गाइस जो है MBBS डिपार्टमेंट है, ये सारा आप देख सकते हैं। तो ये पीछे जो है ये MBBS डिपार्टमेंट है आप देख सकते हैं। तो इनका जो है मेन गेट आगे है, वो भी आपको दिखा देता हूँ, ये बाइट पार्क वगैरह भी बना हुआ है, यहाँ स्टूडेंट जब क्लासेस वगैरह लेके फारिग टाइम में बैठ सकते हैं। तो अभी जो है हम जा रहे हैं उस तरफ, ये जो है यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी बैठ जाते हैं स्टूडेंट। अभी तो अंदर से कैसे दिखाएं यार, बंद है, तो इंशाल्लाह जब यूनिवर्सिटी खुली होगी तो उस टाइम भी आपको अंदर से दिखा देंगे, और काफ़ी जो बच्चे होते हैं उनसे भी मिलवा देंगे। अभी जो है हम जा रहे हैं मेन गेट की तरफ, आपको दिखा देते हैं। अच्छा है यार वैसे बाहर से एरिया, अच्छा है, आप देख सकते हैं ये। जी भाई बहुत अच्छा है और बहुत बड़ा है, अंदर में इसका रकबा बहुत ज़्यादा है, और अच्छा। अंडरग्राउंड भी है बिल्डिंग वगैरह, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है अंदर से देखे तो, अच्छा है यार। तो ये देख सकते हैं आप, ये है MBBS का डिपार्टमेंट। तो ये पीछे ग्राउंड है क्रिकेट ग्राउंड, वो सामने आप देख सकते हैं अंदर की गाड़ी खड़ी है। ठीक है गाइज मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।